बात हर जगह पे गांव में शहरों में फैला रही है, और ये फैलाने वाला ये नहीं सोच रही है कि पाकिस्तान युद्ध करेगा या दुनिया में कोई भी देश युद्ध में उतरेगा तो कोई भी जो हमारी पूरी ह्यूमन रेस बचेगा नहीं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रही है। ये बात ना समझ कर रही है, अभी की बात रही है युद्ध के बाद, युद्ध के बारे में और पाकिस्तान की अटैक के बारे में। जब से श्री नरेंद्र मोदी सत्ते पे 2014 में आए तब से लेके बीच बीच में यही बात बोले, पाकिस्तान हमें ये करने के लिए, पाकिस्तान हमें टेररिस्ट ग्रुप को हमारी हमारी देश में घुसा रही है, ये सारी चीज़ बोल रही है। मगर वो हर वक्त ऐसा था, कोई ना कोई राज्य में चुनाव था या तो जो पार्लियामेंट के चुनाव था, ऐसा मौके पे इसको लेके ज़्यादातर बातें बोल देती थी। अभी मैं आपके साथ शेयर करना ये चाहती हूँ कि हम अभी जैसे पंगुड़ी ने बोला, पंगुड़ी के साथ हम चार लोग और कश्मीर का अनेक जिला में गांव में हम गई थी, 17-18 गांव में गई, श्रीनगर में हम 18 एरिया में कवर किया, हर एक लोगों से बात किया, जम्मू कश्मीर पुलिस से बात किया, आर्मी से भी बात किया और नौजवानों से बात की। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, नवंबर में उनकी बोर्ड एग्जाम है और हमें लगातार हर जिला से ये बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमारा जो रजिस्टर करना उस बोर्ड एग्जाम के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेट का जो सब प्रावधान नहीं है और वो भी नहीं है, कोई स्कूल अभी चल नहीं रहे है, इसलिए हमें पता नहीं है यदि नवंबर तक स्कूल खोलेगा चलेगा तो हम एग्जाम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये भी बोल रहे। और दूसरी चीज़ें, एक जगह पे एक बच्ची अपना ये सोच के नवंबर में स्कूल खोलेगा और वो 10वीं का एग्जाम दे पाओगी करके सोचकर उन्होंने रात को 8 बजे के बाद कोई भी घर पे बत्ती जलाना नहीं, अनुमति नहीं है, तो वो बैठ कर अपने कमरे में छोटा सा एक लाइट जला के पढ़ रही थी, फिर उधर आर्मी घुस गया, उसको निकाल के लेके जाने का प्रयास किया, मगर उसका फादर, वो बच्ची का फादर और ब्रदर इंटरवीन किया, फिर और उन दोनों को पकड़ के लेके गया। अभी जब हम गया था बहुत दिन हो गया था, उसके बाद किसी को परिवार को पता नहीं है वो अभी कहाँ है। ऐसा बहुत सारी नौजवानों के तरफ से हमें ये देखने की पैटर्न देखने का है, 10-12-13 साल से लेके 25-28-30 तक वाला उम्र वाला छोटे छोटे लड़का और जो नौजवानों को पकड़ के लेके जा रही है। और यदि जैसे पंकुरी ने बोला पैसा मांग रही है, सिर्फ पैसा मांगने के बाद ही बात नहीं है, वो भी हो रही है 60,000 तक पैसा मांग रही है, मगर यदि पेरेंट्स चाहे हमारी मेरा बेटा कहाँ है ये पूछने के लिए, तो उनको ये बोल देती है आप जाओ सेंट्रल जेल में जाओ, उधर लिस्ट लगाया हुआ है और उधर जाके देखे। ऐसा है बहुत सारी परिवार की अपनी लड़कों के बारे में कोई खबर उधर नहीं है, उनको पता नहीं है आज भी वो चाहे राजस्थान की जेल में हो या यूपी का जेल में हो या अभी जम्मू कश्मीर में ही हो या दिल्ली के पास कहीं हो, दिल्ली में लेके आया, कहीं नहीं पता है। ये भी उस माँ बाप का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और जो माओ से हम बात किया, गांव की महिला से बात किया, तो हमें ये बोल रहे अभी तक ये था कि हमारी बच्चे निकलने के वक्त, घर से निकलने के वक्त हम ये सोच रही थी शाम तक वो सुरक्षा सेफली वापस आ जाएगी, ये सोच था, मगर अभी हमारे मन में जब हमारी लड़का लड़की बाहर जो घर के बाहर निकलने के वक्त हमें ऐसा लग रही है आखिरी बार हम अपनी बच्चे को देख रही है, यही है जो कश्मीर की गांव की जो महिलाओं महिलाएं ने हमें जो शेयर किया, उनकी दर्द वो है। तो ये जो गांव के अंदर आर्मी रात को रात रेड करती है और आर्मी जो उनकी दमन अनलीश करती है रात को, अभी कोई उस दिन भी हमारे रिपोर्ट के अंदर भी है ये कि अपना मेन गेट बंद नहीं करती है, बंद करेगा उनको वो आके एक पहला किकिंग करने के वक्त वो मेन गेट खोलना चाहिए, नहीं खोलेगा तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई करती है उस घर का अंदर जो भी है।
तो आर्मी आएगा तो सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को सामने, बुजुर्ग बूढ़े को बाहर जो सामने करती है, क्योंकि तप्पट कम हो, तीन तप्पट हो या चार तप्पट हो, यदि कोई यंग निकलेगा तो उसको इतना मारपीट उतना उसके साथ करती है। इसलिए जो लोग अपना तरीका निकाला, सबसे बुजुर्ग को सबसे आगे आर्मी के सामने जो सामने जाने के लिए, वो हर परिवार में ईसाई हो रहे, तो हर गांव के अंदर से ये आर्मी का अभी तक जो है होली गांव का एक इमेज, आर्मी के बारे में बोलेगा तो वो देशद्रोही है, बात ऐसा नहीं, ऐसा एक एक सरकार की तरफ से और संघ परिवार संगठनों की तरफ से इस प्रकार का एक 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 अटैक इस देश की सच्चाई बोलने वाला जनता के ऊपर है, ये एक कारण है। यदि कोई आर्मी का कुछ लोग ऐसा दमन करने का, ऐसा अट्रोसिटी करने का उनको यदि हिम्मत मिलती है तो वो सरकार की तरफ से, संघ परिवार संगठन की तरफ से होती है, और ये सोच के कि हम कुछ भी करें हमारे ऊपर बोलेगा तो बोलने वाले को जेल में डालेगा, ये एक सोच है आर्मी का जो ऐसा दमन करने वाले का मन में। तो हमें अभी ये वक्त, हमें ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर की जनता की विश्वास जीतना है तो जम्मू कश्मीर जनता से डायलॉग भी शुरू करना है तो आपको सबसे पहले उधर से आर्मी को वापस लेना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर का पुलिस को आप देखिए, कुछ लोगों के हाथ जो लाठी है, बाकी किसी के हाथ में नहीं, उसका सभी का हथियार वापस ले लिया और ये बताया, ना बोल के बोल दिया केंद्र सरकार ने कि आपका ऊपर हम विश्वास नहीं करती है, यदि विश्वास जीतना है तो आपको आर्मी को हटा के जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ में दे, और जो आतंकवादी घुस रहे हमारे देश में कैसे नहीं घुसेगी, आपने जो बॉर्डर को संरक्षा करने वाला सभी बीएसएफ जवानों को अंदर ले आके खड़ा किया है, हमें दमन करने का, गांव में जाके दमन करने का या पूरी राज्य में घूमने का आपने खड़ा किया है, बॉर्डर पे नहीं है, तो बॉर्डर को सुरक्षा करने का जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बॉर्डर पे ही भेजे ताकि हमारी देश सुरक्षा सुरक्षित होकर रहे। ये सरकार सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे देश के सुरक्षा के ऊपर, क्योंकि सुरक्षा जो देश को करने वाला लोगों को अपना काम करने नहीं देती है, ये हमारे लिए बहुत असुरक्षा की बात है। इसलिए हम हमारी जो रिपोर्ट के साथ हमने मांग किया था कि आर्मी से सबसे पहले उधर से जल्दी वापस ले, और ये एक चीज करना चाहिए ताकि एक डर का माहौल कश्मीर की जनता के मन में उधर पैदा किया है, वो डर दूर करके लोग बाहर आने का और डायलॉग करने का, बातचीत करने का, मिलने का, जुलने का। और एक और आखिरी बात मैं बोल के समाप्त करूंगी, जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ना होने से जो ह्यूमन कैजुअलिटीज होती है उसके बारे में एक कोई जाके देखना चाहिए, कोई भी गांव में जाके देखना चाहिए, जो स्वास्थ्य की सेवा लेने का, एक गर्भवती महिला को अपना पेन शुरू होती है मगर वो एम्बुलेंस को बुलाने का कोई सुविधा नहीं है, कोई टेलीफोन उधर नहीं है, लैंडलाइन नहीं है और मोबाइल फोन नहीं चलती है, तो फिर डिले हो रही है, यदि कोई जो प्राइवेट गाड़ी में उसको बिठा के लेके जाएगा तो बीच में 10 बार 15 बार आर्मी रोके, महिला रो रही है, उसको जो लेबर पेन से रो रही है फिर भी उसको रोके 10 जगह 15 जगह रोके और बहुत देर के बाद उसको अस्पताल पहुंचा रही है, डॉक्टर्स हमें बोल रही है क्या क्या हमें नहीं देखने के मिल रही है, और जो बच्चों के अस्पताल में बोल रहे डॉक्टर, हमें दुख होती है कि सर्टिफिकेट देना ब्रॉड डेथ ये लिख के देना, हम लिख कर देने के वक्त हमें इतना दर्द होती है क्योंकि डिले किया, आर्मी वालों ने इतना जगह जगह चेकिंग करके बच्चे को, या तो उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला है अस्पताल में टाइम पे लेके आने का, तो उनको यदि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यदि पहले लेके आती थी तो छोटा सा एक मदद से डॉक्टर की इंटरवेंशन से तो वो बच्चा लोग बच जाती, मगर उसको भी ऐसा, ये सारा ऐसा ह्यूमन कैजुअलिटी हमें बता रहे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ह्यूमन कैजुअलिटी है। तो बहुत सारी चीज
ये सारे चीज बाहर कोई भी खबर नहीं आने नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर आने गांव के अंदर जाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। और आर्मी यदि दो लोग एक साथ खड़ा हो जाए, ये बातचीत करे, उनके पास दौड़ के पहुंच रहे, हर जगह पे आर्मी है। तो ये एक बहुत भयंकर एक सिचुएशन है उधर, इसलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आर्मी को तुरंत उधर से हटाना है। और बहुत दूसरा भी बहुत सारे मांग हमने किया है, जो जिसको भी ये इतने अगस्त 5 को लेके अभी तक कितना लोगों को भी ये, जैसे मैंने बोला 10-12 से लेके 28-30 तक वाले उम्र वाला, खास कर जो नौजवान और बच्चे, उनको तुरंत सरकार को ये करना है कि उनको जो बाहर उनके परिवार के साथ भेजना है उसको कैद करके रखना नहीं है। ये सब चीज़ करने के लिए हमने मांग कर रही है। और आज खास कर हम सरकार को और संघ परिवार संगठनों को ये बताने के लिए आई है, इस देश की जनता हम युद्ध नहीं चाहती है। और आपने युद्ध का एक भय क्रिएट करके, जनता के मन में युद्ध का एक डर पैदा करके आप कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर सकती है, ये बोलने के लिए आज दिल्ली में ये हम बहुत साथी आज इकट्ठा इसलिए किया है। और आप सभी को सलाम करती हूँ, जो साथी अभी इधर आ पाई, जो साथी नहीं आ पाई, फिर भी हो मन से हमारी साथ है, इस बात के साथ है, हम युद्ध नहीं चाहती है, हम अमन चाहती हूँ, हम शांति चाहती हूँ, हम अमन से शांति से जीना चाहती हूँ, चाहे हम जो हमारी छोटे छोटे झुग्गी में रहे, चाहे रास्ते पे पड़े या घरों में रहे, हम शांति चाहती हूँ। ये बात बोलने के हर हालत में युद्ध को रोकना है, युद्ध का आप जीतने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है हमारे देश की। और आपकी जीत नहीं होगी, युद्ध भी होगा, सबका जो फेलियर होगी, सब पराजित होगी, कोई जीतने का जीतेगा नहीं। ये बात बोलने के लिए हम सब इकट्ठा हो गए हैं। सबको नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की NFIW की ओर से क्रांतिकारी सलाम देती हूँ। आशा करती हूँ कल भी हम मिले, परसों भी मिले, युद्ध के माहौल में नहीं मगर शांति के माहौल में हमें मिलने का, जुलने का, बातचीत रखने का, हमारे दोस्ती को आगे बढ़ाने का एक माहौल इधर है। ये आशा से मैं समाप्त करती हूँ। सबको इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।